यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक को हटा दी है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने जारी किया आदेश। कौशाम्बी के सिराथू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई। ग्रामीणों की आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। ये बातें उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्छा में तालाब की जमीन हटाया गया। अतिक्रमण, अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी सरकार का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्यवाही। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही। रुद्रपुर में प्रसिद्ध अटरिया मेले की हुई शुरुआत। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हो पाया था मेले का आयोजन। इस बार प्रशासन ने अटरिया मेले की परमिशन दे दी है। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। करीब 70,000 का बताया जा रहा है नुकसान। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। अपार्टमेंट में आग लगने के मामले में 2 बिल्डरों पर मामला दर्ज हुआ। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ है केस। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 2 लोगों की हालत नाजुक है। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो। 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। 4 लोगों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल उरई किया गया रेफर। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात में पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उलजापुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। 3 अन्य होमगार्ड समेत 1 अन्य सवारी घायल। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक। युवक को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। तेज रफ्तार हादसे की वजह। झांसी के तहसील मऊरानीपुर देवरी बांध में नहाने गए 2 बालक शिवम और ऋतिक डूबे। गोताखोरों ने दोनों शवों को बाहर निकाला।